हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीक्वेंस टॉपिक से रिलेटेड एक और थ्योरम सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे, जिसका स्टेटमेंट है इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल्स टू l इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी cn एंड an इज लेस देन आर इक्वल टू bn इज लेस देन आर इक्वल टू cn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर देन लिमिट ऑफ bn इज इक्वल्स टू l। ये क्या, देखिए ये थ्योरम बिल्कुल डायरेक्ट लैंग्वेज में क्या कह रही है, ये थ्योरम बिल्कुल डायरेक्ट लैंग्वेज में कह रही है कि अगर हमारे पास कोई दो सीक्वेंस है, कौन कौन से, an और cn, और इन दोनों सीक्वेंसेस की लिमिट है l दोनों की, ठीक। और ये और अगली बात कह रहे हैं कि इन दोनों लिमिट सॉरी इन दोनों सीक्वेंसेस के बीच में भी एक सीक्वेंस है, ये bn, इन दोनों के बीच में है ये लाल वाली bn। तो कह रहे हैं अगर ये दोनों l की ओर अप्रोच कर रही हैं, मतलब इनकी लिमिट l है, तो bn की भी लिमिट l है। हमें भी यही प्रूफ करना है सिंपली। वैसे बहुत सिंपल थ्योरम है, यूज करने में भी, समझने में भी और इसका प्रूफ भी, तो बस थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे और ये थ्योरम इजली हो जाएगी। सबसे पहले एज गिवन लिमिट an इज इक्वल टू l, देयर एग्जिस्ट a n1 is greater than n। जैसे हम लोग लिमिट को डिफाइन नहीं करते थे कि अगर an l की ओर अप्रोच कर रहा है तो मतलब बीच में एक पॉइंट n1 होगा, जिससे आगे बढ़ने पर हमारे सीक्वेंस की डिस्टेंस हमारी लिमिट से कोई एक फिक्स वैल्यू, जो यहां पर हम लोग एप्सिलॉन लेकर चलेंगे, उससे कम हो जाएगी। तो हम इसे कैसे लिखते थे कि मॉडुलस ऑफ an माइनस l इज लेस देन l फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n1। एक अब आगे, अब देखिए एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी वैल्यू मॉडुलस किसी एक फिक्स वैल्यू से छोटा है, कोई मॉडुलस किसी फिक्स वैल्यू से छोटा है, तो ये जिसका मॉडुलस है मतलब b, ये c से हमेशा छोटा होगा और माइनस c से हमेशा बड़ा होगा। जैसे आपने यहां पर मॉड लिया, मॉड ऑफ यहां पर मान लीजिए 2 आया, 2 है किसी का मॉड, है ना, 2 मॉड है, 3 से छोटा होगा। तो अब देखिए 2 की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, एक तो ये माइनस 2 हो सकता है, ये प्लस 2, तो चाहे ये माइनस 2 हो तब भी ये माइनस 3 से छोटा सॉरी बड़ा और प्लस 3 से छोटा होगा। अगर ये प्लस 2 भी हुआ तब भी माइनस 3 से छोटा सॉरी माइनस 3 से बड़ा और प्लस 3 से छोटा होगा। तो ये सिंपल सा है, उसी का यूज करते हैं। यहां पर है an माइनस l का मॉड एप्साइलन से छोटा है, तो मतलब एप्साइलन की निगेटिव वैल्यू से an माइनस l बड़ा होगा, ये मॉड नहीं है ब्रैकेट है या फिर रहने ही देते हैं, और प्लस वैल्यू से बड़ा होगा ये n के लिए ना। अब देखिए आप पूरी इनइक्वालिटी में l ऐड कर देते हैं लेफ्ट साइड में, तो l माइनस एप्साइलन, इधर भी l ऐड करेंगे तो l से l कैंसिल हो जाएगा, ये f l plus epsilon for all n is greater than or equal to n1, है ना, ये मिल गई हमें फर्स्ट स्टेटमेंट। अब देखिए इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग लिख देते हैं लिमिट n tends to infinity या फिर लिमिट cn is equals to l, तो यहां पर क्या होगा, there exists n2 is greater than n, sorry, belongs to natural number, such as, अगर देखिए cn की भी limit l की ओर tends कर रही है, तो मतलब cn भी जैसे जैसे n2 से आगे बढ़ेगा वैसे वैसे epsilon से epsilon दूरी l से कम होती जाएगी, मतलब l यहां पर था तो अब n2 यहां पर है, तो जैसे इधर की ओर बढ़ता है अब ये दूरी, जो ये दूरी है ये epsilon से छोटी होती चली जाती है, for all n is greater than or equal to n2, ठीक। तो इसके लिए भी वही चीज आ जाएगी, ये जो जैसे हम लोगों ने पूरा किया था, तो सिमिलरली l minus epsilon is less than cn is less than l plus epsilon for all n is greater than or equal to n2, ये सेकंड स्टेटमेंट।
अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि एन की एल से डिस्टेंस एप्साइलन से कम होती है। कब कम होती है? जब हमारे एन एक फिक्स वैल्यू एन वन से बड़े होते हैं। ये कहते हैं कि यही चीज होता है जब एन एन टू से बड़े होते हैं। हमने एक ले लिया, वी कंसीडर एन जीरो। कैसा है एन जीरो? मैक्स ऑफ एन वन एन टू, जीरो ले लिया जो इन दोनों में बड़ा है। अब देखिए होगा क्या, ये कह रहे हैं कि n1 से आगे बढ़ने पर, ये कह रहे हैं n2 से आगे बढ़ने पर। अब हमने इन दोनों में जो बड़ा होगा है ना, तो क्या होगा, जैसे ये मान लेते हैं फोर्थ स्टेप था, ये था फिफ्थ स्टेप। ये कह रहे हैं कि फोर्थ से आगे बढ़ने पर ये l की डिस्टेंस एप्साइलन से कम हो रही है। अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि फिफ्थ से, तो हमने मैक्स का मतलब है चार पांच में बड़ा कौन, पांच ले लिया, फाइव ले लिया। तो अगर ये चौथे से अप्रोच करने लगे थे तो पांचवे में तो और करीब हो जाएंगे, और ये पांचवे से कह ही रहे हैं। इसी तरीके से आप इसको पांच, इसको चार करके देख सकते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि n1 और n2 दोनों अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, उनमें से जो मैक्स है उसी से हमारा काम हो जाएगा। तो हमें क्या कंक्लूजन मिल जाएगा कि एल माइनस एप्साइलन इज लेस देन ए एन इज लेस देन एल प्लस एप्साइलन एंड एल माइनस एप्साइलन सॉरी ये सी एन लेस देन एल प्लस एप्साइलन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन जीरो। अब क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं कि ए एन इज लेस देन ये वाला, ए एन इज लेस देन और इक्वल टू बी एन इज लेस देन और इक्वल टू सी एन, और ऊपर की इनइक्वलिटी क्या कह रही है कि ए एल माइनस एप्साइलन से बड़ा है, तो इसकी ऐसे लिखे, और सी एन एल माइनस एप्साइलन से छोटा है। ठीक, अब ए एन और सी एन का तो हमारा काम हो गया, इनको हटाइए, अब बी एन को बीच में लेके आइए। तो बी एन देखिए एल माइनस एप्साइलन से बड़ा है और एल प्लस एप्साइलन से छोटा, और किनके लिए, एन इज ग्रेटर देन एन जीरो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन जीरो। जो यहां पर हमने ये प्रॉपर्टी यूज की थी इसी का कन्वर्ज यूज कर लेते हैं कि अगर क्या करते हैं पूरी इक्वेशन में l को ऐड कर देते हैं तो राइट साइड पे, तो इधर से देखिए सॉरी l को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, यहां पर l सब्सट्रैक्ट किया तो l से l कैंसिल, कौन बचा माइनस एप्साइलन, यहां पर सब्सट्रैक्ट किया तो ये हो गया बी एन माइनस एल, यहां पर सब्सट्रैक्ट किया तो फिर l से l कैंसिल, ये हो गया प्लस का एप्साइलन। बी एन माइनस एल माइनस एप्साइलन से बड़ा है और प्लस एप्साइलन से छोटा है, तो मतलब मॉडुलस ऑफ बी एन माइनस एल इज लेस देन एप्साइलन और फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन जीरो। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एल की वैल्यू एन जीरो से जैसे ही बड़ी होती है हमारा बी एन जो है एल की ओर अप्रोच करने लगता है, मतलब बी एन की डिस्टेंस जैसे एप्साइलन से छोटी होने लगती है। This implies limit of bn is equals to l, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से काफी सिंपल थ्योरम थी, इसका प्रूफ भी और इसका इंप्लीमेंटेशन भी आप काफी इजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट थ्योरम लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।